टू माई चैनल और आपका वेलकम सीधा हो रहा है पांडवलिनी में, क्योंकि मैं आई हूँ आज पांडवलिनी। और अभी बजा है 1 और हम अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अगर आप कभी आओगे तो बॉटल और स्नैक्स लेके आना, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं मिलने वाला, नीचे से ही आपको लेके जाना पड़ेगा। और प्रॉपर शूज़ भी पहन के आओ, क्योंकि अगर बरसात में आ रहे हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी जगह होती है, तो शूज़ पहन के आओ जैसे मैं पहनी हूँ। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अभी ऊपर जाते हैं। सब बोल रहे थोड़ा दूर है, लेकिन बहुत दूर है। मम्मी पापा को थकावट हो रही है। ये रहा सेकंड टर्न। बहुत ज्यादा पेट दर्द करेंगे। टिकट निकालना पड़ता है यहाँ पे, फिर एंट्रीज देते हैं। कितनी है देखते हैं हम लोग। पापा ले रहे हैं अभी टिकट। तो यहाँ पे एंट्री फीस है 25 रुपीज पर पर्सन और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज है। और अब हम ज़्यादा थक चुके हैं तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद देखना स्टार्ट करेंगे। नाशिक मेन सिटी से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पांडवलिनी 1st से 3rd सेंचुरी तक बिल्ड की गई है और इसे नाशिक केव्स या फिर त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं भी कहा जाता है। त्रिरश्मि का मतलब सूर्य की किरणें होती है और पांडवलिनी के ऊपर का जो माउंटेन है उसे भी त्रिरश्मि कहा जाता है। ये टोटल 24 ग्रुप ऑफ केव्स है जहाँ पे जाने के लिए 200 स्टेयर्स है। बहुत सिंपल से स्टेयर्स है, लेकिन बरसात में अगर जा रहे हो तो प्रॉपर शूज पहन के जाओ, क्योंकि वहाँ पे जगह बहुत स्लीपरी होती है। ऊपर आपको बहुत सारी बुद्धास की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी जो कि ईस्ट फेसिंग है, और ईस्ट फेसिंग होने की वजह से जो सनलाइट होती है वो केव्स के अंदर तक जाती है, और अगर आप शाम को जाते हो तो पूरा अंधेरा होता है और आपको कुछ भी ठीक से नहीं दिखेगा। और गाइज, यहाँ केव नंबर 18 जो है इसे चैत्या और चैत्या हॉल ऐसा कहा जाता है। ये एक प्रेयर हॉल है। इसके बीच में एक बड़ा सा स्तूपा बना हुआ है जहाँ पे लोग प्रे करने के लिए आते हैं, इसलिए आपको अपने शूज बाहर निकाल के ही अंदर जाना पड़ता है। तो इस जगह का नाम पांडवलिनी क्यों है, इसके पीछे एक छोटा सा हिस्ट्री है। ऐसा माना जाता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ पे रहा करते थे। वो येलो कलर का रोब पहनते थे और पाली में उन्हें पुंद्रू कहा जाता था। पुंद्रू से उन्हें पांडू, पांडू से पांडव ऐसा कहा गया, और इसी के वजह से इस जगह का नाम पांडवलिनी हो गया। इस तरह से पांडव का इस जगह से कोई कनेक्शन नहीं है। और केव्स के सामने से आपको पूरी नाशिक सिटी दिखती है, तो आप वहाँ पे व्यू का मजा ले सकते हो।
बहुत सारे एक ही जैसे। यहाँ पे चोरी हुई थी शायद। चप्पल बुटे थे कढ़ा। स्नैक्स लेके आओ और पानी भी लेके आओ क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मिलता नहीं। अभी हमें नीचे जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए, बहुत धूप है, थक गए हम लोग, पूरे टैन हो गए। संडे के दिन यहाँ पे आओ तो अच्छा होगा। चलो चलते हैं नीचे, थोड़ा और आगे जाएंगे, क्या क्या देखेंगे फिर नीचे जाएंगे हम लोग। घर ले लूँ मैं यहाँ पे, मस्त है सब। चलो सामान लाती हूँ मैं अपना कल। तो हम नीचे आ गए हैं और यहाँ पे पानी पूरी खा रहे हैं। One day we'll set away.
कैमरा अलाउड नहीं है।
फोटो अलाउड है लेकिन अंदर से नहीं है। और इतनी बारीकी से काम किया हुआ, बहुत अच्छा मंदिर है गाइस। पाथड़ी के रोड पे मिला, मस्त। चुनरी लेके अंदर जाना पड़ता है दर्शन के लिए। अभी शाम हो चुकी है तो पूरे लाइटिंग लगा दिए, कितना मस्त लग रहा है देखो। और अभी हम जा रहे हैं घर। यही पे मेरा ब्लॉग खत्म होता है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय।